हाई एवरी वन वेलकम टू यू जी एन सी एग्जामिनेशन वैट इज ट्वेंटी फोर सेवन और आज के सेशन में मैं लेकर के जा रही हूँ अगेन आप लोग को ग्रामर की हवन और आज हम लोग कवर करने वाले हैं डे सेवेंटी एट एंड रूल नंबर सेवेंटी एट सो so, uh, 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 मैं सबसे पहले तो आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी दैट देर वॉज वन सेशन जहाँ पर मैं uh, एक क्लास ले रही थी एंड देर वॉज अ स्टूडेंट म टू मी एंड टूमो कौन सी राइट सो आई गिवर तो कहता है टूमोर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की पोजिशनो प्रोनाउन की होती है तो नाउन होगा सो इट्स नॉट लाइक दैट की आपका एक पर्टिकुलर वर्ड एक ही पार्ट ऑफ स्पीच हो ठीक है एक पर्टिकुलर वर्ड मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच बन सकता है तो आज में आप लोगों को एक ऐसा वर्ड Uh, बताने वाली हूँ जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है ठीक है और वो मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज होता है ठीक है सो so, मैंने ऐसे कोशिश की है दो वर्ड्स लेने की और अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड्स भी पढ़ा दूंगी सो so, अब देखिए यहाँ पर आपके पास वर्ड लिखा हुआ है बिफोर अब जनरली हम लोग बोलते हैं बिफोर बिफोर का मतलब पहले तो जनरली हमको लगता है बिफोर एंड आफ्टर प्रेपोजिशन बट इट्स नॉट ट्रू कि वो सिर्फ प्रेपोजिशन होती है अगर आप ये कहोगे कि वो सिर्फ प्रेपोजिशन है तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा क्यों क्योंकि आपका जो प्रेपोजिशन है इट वर्क एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच

डी मतलब जानती हूं बताने की जरूरत नहीं है और यहां पर प्रेपोजिशन का मतलब है अर्लियर और इन फ्रंट ऑफ दो मीनिंग हो सकते हैं एक तो अर्लियर और दूसरा इन फ्रंट ऑफ राइट right? जैसे मैंने कहा the accused. बोलते हो आरोपी को before the court. तो वो कोर्ट के सामने पेश किया गया है ना तो कोर्ट के के सामने सामने उसको रखा गया गया जज उसे खड़ा किया गया, ला करके कि चलो उसकी सुनवाई की जाती है तो आप नोटिस करेंगे यहां पर आपके दो सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं एक है He went away, और दूसरा है आई कम और इन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड क्या है बिफोर

Uh, उनके जाने के बाद राइट right? तो यहाँ पे दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला वर्ड क्या है आफ्टर और जब आप दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हो तो किसकी मदद से कनेक्ट करते हो कंजंक्शन की सो so, समझ आ रहा है ना ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट कोई भी वर्ड अगर आपके पास लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा वो मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच भी बन सकता है सो so, इसी के साथ हम यहाँ पर सेशन को एंड करेंगे और ऐसे ही रूल्स के साथ फिर से मिलते रहेंगे तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल